हेलो दोस्तों, मैं हूं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेल इशारों इशारों में के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। दोस्तों बता दूं कि आने वाले एपिसोड काफी शानदार होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले एपिसोड में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आएगा जो कि सभी को हैरान कर देगा। दोस्तों कहें कि जिस मोमेंट का हम सभी को इंतजार था वो भी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है, तो वह गलत नहीं होगा। दोस्तों बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हम सभी चाहते थे कि कुछ भी करके योगी और गुंजन की आवाज फिर से लौट आए, तो ऐसे में दोस्तों अब गुंजन की आवाज आने वाले एपिसोड में फिर से लौट आएगी या नहीं आएगी, इस पे सवाल उठता है। क्योंकि दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि योगी के पिता के सामने प्रस्ताव रखेंगे गुंजन के पिता यानी शिव कुमार शर्मा, प्रकाश से कहेंगे कि यूएसए में एक ऐसा डॉक्टर है जो कि सभी पेशेंट्स की कई पेशेंट्स की आवाज फिर से लौटा सकता है, तो ऐसे में हम गुंजन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और वहां पे उसका इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस पे प्रकाश कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे में सिचुएशन कुछ खराब हो जाएगी और वहां पर आ जाएगा प्रदीप चौहान और वहीं पे गुंजन का बैग दिखाएगा उन सभी को, जिससे वे परेशान हो जाएंगे। खैर दोस्तों बता दूं कि शिव कुमार शर्मा और प्रकाश दोनों उससे तो अपने आप निपटान कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो ट्विस्ट है वह घर पर आकर काफी ज्यादा हलचल पैदा करने वाला है। जब प्रकाश घर पर आकर अपने पिता यानी योगी के दादाजी को बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है कि शिव कुमार शर्मा जो है वह अपने बेटी यानी गुंजन को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता है और उसका इलाज करवाना चाहता है, तो ऐसे में दोस्तों दादाजी कुछ ऐसे शब्द कह जाएंगे जो कि सभी को हैरान कर देंगे। क्योंकि दादाजी कहेंगे कि हमने ये जो रिश्ता किया था दो व्यक्तियों के बीच में, वह चुप्पी से चुप्पी का रिश्ता था यानी शांति से शांति का रिश्ता था, क्योंकि दोनों ही बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, इनके बीच में कोई भी शोर नहीं था। और वहीं पे फिर दादाजी कहते हैं कि अगर किसी की भी एक भी आवाज लौटती है तो ये रिश्ता कब जो इतनी शांति से चल रहा था वह कब शोर में बदल जाए, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में दोस्तों दादाजी की बातों से साफ साबित हो जाता है कि दादाजी भले ही कितना भी प्यार करते हो गुंजन से, लेकिन वे योगी से भी उतना ही प्यार करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर गुंजन की आवाज फिर से लौट आई तो गुंजन का किरदार जो है वह बदल ना जाए और जो योगी का रिश्ता है वह टूट ना जाए। तो ऐसे में दोस्तों दादाजी की चिंताएं एकदम सही है, जहां पर प्रकाश अपनी बेटी की तरह मानता है गुंजन को, दादाजी भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वह चाहेंगे कि उनकी आवाज फिर से लौट आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे की जिंदगी का भी डर सता रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में गुंजन की आवाज आने वाले एपिसोड में लौटेगी, और आपको क्या लगता है कि प्रदीप चौहान जो उन पर बार बार हमले करवा रहा है, उनके पर्स चोरी करवा रहा है, वह आगे कौन सी नई चाल चलने वाला है? दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आप अपने विचार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों आप कमेंट बताइए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो सुन और सुन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अलविदा, फिर से मिलूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।